सब्सक्राइब करिए आर्यवर्त इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये एकदम फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में। पानी जिसे हम पीने के लिए उपयोग करते हैं, पानी बड़ा सस्ता है, हर जगह मिल जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पानी बहुत कीमती भी है और हमें इसे बहुत ही सावधानी के साथ उपयोग करना चाहिए। ये तो हो गई एक पानी को किस तरह से यूज करें उसकी बात, लेकिन पानी के कुछ आयुर्वेदिक गुण भी होते हैं। पानी से कई तरह का इलाज भी किए जा सकते हैं, और पानी से जिस तरह से इलाज किया जाता है उसे हाइड्रोथेरेपी की जाती है, जहाँ पर जल चिकित्सा भी कहते हैं जिसको। तो यहाँ पर मैं पानी के कुछ ऐसे ही आपको फ़ायदे, उपयोग या कह सकते हैं इसके कुछ अनुप्रयोग बताने वाला हूँ, जिनका उपयोग करके आप बेहोशी, चोट, सूजन, चक्कर आना, शरीर का जो स्वास्थ्य बिगड़ जाना, जोड़ों पुट्ठों के दर्द, कमजोरी आदि तरीके की जो समस्याएं हैं उनका आप जल्द से ही चिकित्सा उनकी कर सकते हैं। तो क्या है आपका इसको करना, आपको मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पानी जीवन के लिए अनिवार्य है। बिना भोजन के कई दिनों तक हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। शरीर के वजन का आधे से अधिक भाग पानी का ही बना होता है, यानी हमारे शरीर में जो 70% लगभग पानी का ही बना होता है। शरीर में पानी की कमी हो जाने पर हमें प्यास लगती है, शारीरिक मेहनत, अधिक काम करना और थकान आदि में पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है। पानी शरीर के तापमान को भी ठीक रखता है, जिससे हमारा शरीर तरोताज़ा बना रहता है। घरों में जब कभी किसी को किसी कारण बेहोशी हो जाती है तो तुरंत पानी के छींटे मुंह में मारते हैं, इससे रोगी ठीक हो जाता है। पानी की ठंडी पट्टियां चोट सूजन या पर जादुई असर करती हैं, दर्द कम हो जाता है। डॉक्टर अक्सर दर्द की जगह पर गर्म पानी से सेकने के लिए कहता है। तेज बुखार के समय माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने से बड़ा आराम मिलता है। नाक का खून बंद करने के लिए सिर पर ठंडे पानी की धार डालते हैं, तो नाक से खून बहना, जैसे नकसीर बहना कहते हैं, बंद हो जाता है। चक्कर उल्टी आने पर ठंडा पानी पीने से लाभ होता है। सौंदर्य प्रसाधनों में गुलाब जल का उपयोग सौंदर्य तथा आकर्षण वृद्धि के लिए किया जाता है। पुरुष और खासकर मोटी स्त्रियाँ अपने शरीर को छरहरा बनाए रखने के लिए स्टीम बॉथ यानी भाप का स्नान बहुत अधिक पसंद करती हैं, और इससे उन्हें काफ़ी लाभ भी होता है। चिकित्सा में पानी का बहुत ही कारगर रूप है, जिसके द्वारा जोड़ों का दर्द, पुट्ठों का दर्द, स्नायु का दर्द को रोका या कम किया जा सकता है। गर्मी की ऋतु में शीतल जल से स्नान करने से शरीर में ताजगी और स्फूर्ति पैदा होती है। गर्म पानी से भोजन बनाने से भोजन पूर्ण रूप से पक जाता है, इससे इसलिए ठीक रहती है कि भोजन पेट में जाकर दूध के समान पतला हो जाता है, जिससे वह शीघ्र ही उसका हाजमा हो जाता है। गर्म जल को प्रातः बिस्तर से उठकर पीने पर शौच एकदम ठीक जाते हैं और कब्ज की समस्या नहीं रहती है। जिन्हें बैड टी की आदत है, वे यदि गर्म जल का प्रयोग करें तो उन्हें हानि की संभावना और पेट भी हमेशा साफ रहेगा। भोजन के समय बीच बीच में गर्म पानी पीने से भोजन शीघ्र पच जाता है। भोजन के समय कभी ठंडा जल नहीं पीना चाहिए। जिस प्रकार शीतल जल शरीर के ऊपर भाग पर उपादेय है, उसी तरह गर्म जल शरीर के भीतरी भागों को लाभ पहुँचाता है। साधारणतः 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म जल पेट में पहुंचना चाहिए, यानी 80 डिग्री का तापमान में पानी जो गर्म होता है, आप उसे भोजन के साथ लें या दूसरे तौर पर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों दी गई जानकारी हो सकता है आपके काम आई हो, यदि आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा।